करना है। C4H10 O को निहाल कर देखो थोड़ी देर के लिए। C4H10 O चार कार्बन में चाहिए, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 10 3 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 7 और 3 टैग हो गए और एक ऑक्सीजन ग्रुप तो लास्ट में। इनको मैच कर देखा, एक बिल्कुल सिंपल मेथड में आपको बताता हूं। कार्बन की वैलेंसी पूरी करते रहोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने आप कंप्लीट होती जाएगी। समझ में आया कि नहीं? Yes, सिर्फ कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लो, स्ट्रक्चर अपने आप बन जाएगी। हाइड्रोजन को कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं आपको। देखिएगा सर, इससे आगे देख लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, हाइड्रोजन 339 और 4 एक हो गए, 10 हो गए और एक ऑक्सीजन, सब भी यही स्थिति मिलेगी। अब जैसे अपन इनका नाम बनाएंगे तो ये लोन ग्रुप बन जाएगा। इसमें आईयूपीएसी बना रहा हूं मैं, कॉमन नाम नहीं बना रहा हूं। इस तरह की जो लॉन्ग सीरीज बनेगी उसमें अपने को आईयूपीएसी बनानी है, कॉमन नेम बनाना नहीं है। आईयूपीएसी में देखते हैं तो इसको वन नंबर दे दूं, 1 2 3 क्या नाम आएगा बोलो? मिथॉक्सी प्रोपेन, या 1-methoxy प्रोपेन भी बोल सकते हो, चाहे 1-methoxy प्रोपेन या मिथॉक्सी प्रोपेन। अगले वाला में ये लॉन्ग रूट बन जाएगा इधर से, 1 2 3 2 नंबर पे क्या है? मिथॉक्सी, 2-methoxy प्रोपेन, प्रोपेन बन जाएगा। इससे अगले वाले में एथॉक्सी प्रोपेन, अगले वाले ने कैसे बनाया ग्रुप? ये बनेगा 1 2 3 1-methoxy 2-methyl propane। इससे अगले वाले में कोई ग्रुप लगेगा सेम, 1-methoxy 1 2 3 4 butane, कोई डाउट है? नो सर, क्लियर।